नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को या फिर बहुत सारे लोगों को यह सब्जी पसंद नहीं आती है और उस सब्जी का नाम है लौकी। अगर आपको लौकी पसंद है फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद है तब भी आप कोशिश करें कि आप लौकी का सेवन करें क्योंकि रियली में इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे इसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये मिलता है कि इससे आपका कब्ज ठीक रहता है, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर महिलाओं को कब्ज की परेशानी रहती है और यदि आप लौकी का सेवन करती हैं तो इससे आपके शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से गर्भवती महिला को कब्ज की समस्या नहीं होती। इसके अलावा आपका वजन भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। आप भी चाहते हैं कि आपके मल त्याग करने की क्रिया आसान हो जाए तो आप लौकी का सेवन कर सकती हैं। दोस्तों, दूसरा जो फायदा है वो ये कि आपके शरीर की गर्मी को रिलीज करने में मदद करती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की जानकारी ना हो कि लौकी का सेवन करने से यह आपके शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में मदद करती है। लौकी की तासीर ठंडी होती है और लौकी की स्लाइस को ठंडा करके इसे तलवे पर रगड़ने से आपके शरीर की गर्मी भी बाहर निकल जाती है। बाकी जो तीसरा फायदा है वो ये कि यह आपके जंक फूड की क्रेविंग को कम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को बहुत ज़्यादा चटपटा, तीखा, मसालेदार खाना खाने का मन करता है और ये सारी चीज़ें होती हैं जंक फूड में। तो यदि आपको भी बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है, इसके अलावा आपको केक खाने की क्रेविंग होती है, आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है, तो इससे वो भी कम हो जाता है। लौकी में दोस्तों 96% पानी होता है, इससे आपका पेट भरा रहता है और आपको फूड क्रेविंग भी नहीं होती, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके जंक फूड की क्रेविंग को कम करते हैं। इसके अलावा यह आपकी प्यास बुझाने में भी मदद करती है। दोस्तों, इसके अलावा चौथा फायदा ये है कि यह आपके शरीर में जरूरी मिनरल्स प्रदान करता है। दोस्तों, लौकी में सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल पाए जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में सोडियम की कमी से आपको थकान हो सकती है। आपके शरीर में सोडियम की कमी पूरा करने के लिए लौकी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सोडियम का एक अच्छा स्रोत है। बाकी पांचवा फायदा है, सिर दर्द से राहत दिलाता है। दोस्तों, आप लौकी की सब्जी को पकाकर इसका सेवन कर सकती हैं। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, यहाँ तक कि लौकी के बीज भी सिर दर्द को ठीक करने में काम आते हैं, खासकर जो प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस के साथ आपको अनुभव होता है। यदि आप हर दिन कम से कम एक बार लौकी का सेवन करती हैं तो प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट और परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। और नॉर्मली आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी परेशानी होती हैं, तो बहुत सारी परेशानी वैसे भी कम हो जाएंगी यदि आप लौकी का सेवन करती हैं तो। इसके अलावा छठा फायदा ये है कि लौकी आपके पेट में एसिडिक जूस को बैलेंस करता है, क्योंकि लौकी एल्कलाइन होता है और ये आपके पेट में एसिडिक जूस को बैलेंस करता है। कई गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या होती है, ऐसे में लौकी आपकी इस समस्या को दूर करने में मदद करती है और पेट में एसिडिटी इफेक्ट को कम करती है। दोस्तों, बात करते हैं कि आप प्रेगनेंसी का किस महीने से लौकी का सेवन कर सकती हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही लौकी का सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप लौकी का जूस का सेवन कर रही हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आप जूस पीने से पहले एक बार चेक कर लें, अगर लौकी कड़वा है तो आपको उस लौकी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि लौकी यदि कड़वा होगा तो उससे गर्भपात होने का खतरा रहता है, इसलिए आपको कड़वे लौकी का सेवन नहीं करना है। बाकी आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आराम से लौकी का सेवन कर सकती हैं। आप लौकी को सब्जी के रूप में बना के खा सकते हो। इसके अलावा लौकी का हलवा बनता है, यानी कि मीठे में आप लौकी का सेवन कर सकते हैं, जूस बना के ले सकते हैं, सलाद के रूप में भी बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं। इसके अलावा लौकी का रायता भी बहुत टेस्टी बनता है, तो आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, लौकी का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है उसके जूस से, तो चलिए अब जान लेते हैं यदि आप लौकी के जूस का सेवन करती हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो सबसे पहला ये कि यदि आप लौकी का जूस पीती हैं तो इससे आपके शरीर में पानी की कमी दूर होती है। दूसरा फायदा होता है, आपके रक्त को शुद्ध करता है। तीसरा फायदा होता है, आपके हृदय के लिए, यानी कि आपको दिल से संबंधित बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा आपके वजन को भी नियंत्रित रखता है। इसके अलावा दोस्तों, ये आपके मानसिक तनाव को भी कम करता है। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, तो
तो यदि आप लौकी का सेवन करती हैं तो इससे आपके मानसिक तनाव में भी राहत मिलती है। इसके अलावा यह आपके यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, खासतौर से यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है। तो यदि आप लौकी का जूस पीती हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिला की त्वचा काफ़ी डल हो जाती है, तो यदि आप लौकी का जूस पियेंगी तो इससे आपका त्वचा काफ़ी हेल्दी रहेगा और आपके चेहरे पे एक शाइनिंग भी आएगी, यानी कि आपका चेहरा चमकदार भी बनेगा। तो इस वजह से भी आप लौकी का जूस पी सकती हैं। और दोस्तों, लौकी का जूस बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको दो बात का ध्यान रखना है। पहला ये कि लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। तो यदि लौकी कड़वी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में अगर आप कड़वी लौकी का सेवन कर लेती हैं तो इससे गर्भपात होने का खतरा रहता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कड़वी लौकी का जूस ना पिएं और हमेशा ताज़े लौकी का ही जूस बना के पिएं। तो इन दो बातों का ध्यान रखिए और उसके बाद आप आराम से लौकी के जूस का सेवन कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।